जो खुद में टिका है, जो खुद ही में बसा है, जिसको अपना ही निज का अभिमान है कि मैं ही हूं, उसको भला खुदा कैसे दिखता, उसको परमात्मा कैसे दिखता है? जो खुद को मिटा दे और उसको सौंप दे, बस उसी को परमात्मा दिख सकते हैं, उसी को परमात्मा मिल सकते हैं। जैसे ये आपकी आंखें दिन को आप देखते हैं, तभी आप स्वीकार करते हैं कि हम तो वैज्ञानिक बात मानते हैं, सामने दिखेगी तो मानेंगे, यही कहते हैं ना कि भाई हाँ, किसी लैब में चले जाओ तो ये चीज का मिश्रण करके ये चीज बन जाएगी, हम तो उसको मानते हैं जो सामने दिखता है। अब जो परमात्मा दिखता नहीं, उसे हम कैसे माने? तो देखिए हमारे इन आंखों को देखकर ही आप प्रत्यक्ष का अनुभव करते, प्रमाण का अनुभव करते कि जो चीज सामने दिखेगी उसे हम मानेंगे। लेकिन क्या आपकी आंख अपना चेहरा देख सकती है? क्या आपकी यही आंख आपका मस्तक देख सकती है? क्या आपकी यही आंख अपनी आंखों को देख सकती है? बिल्कुल नहीं। इसको एक माध्यम की जरूरत है, एक आश्रय की जरूरत है, दर्पण होगा तभी अपना ये आंखें अपना चेहरा देख सकती है। उसी प्रकार आप इन आंखों से परमात्मा को नहीं देख सकते, उसके लिए आपको ये कथा, सत्संग, भक्तमाल रूपी दर्पण की जरूरत पड़ेगी। जब उसका माध्यम होगा तभी परमात्मा का अनुभव होगा, प्रभु का प्रेम जागृत होगा, उनके स्वभाव के विषय में आप जान पाओगे। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।